श्री रमण महर्षि से बातचीत, संग्रहकर्ता श्री मुनगल एस वेंकटरमैया। ये बातचीत 1935 से 1939 चार वर्षों की है, जिसे श्री मुनगल एस वेंकटरमैया ने संग्रहित किया था, जो कि महर्षि रमण के बहुत पुराने शिष्य थे। यहां जिन चार वर्षों का जिक्र है, ये वे दिन थे जब आश्रम अपनी कीर्ति के शिखर पर पहुंच गया था। महर्षि का स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा था और उनके बैठने का कक्ष दिन रात सबके स्वागत के लिए खुला रहता था। दर्शक संसार के प्रत्येक स्थान से वहां जाते थे, तथा कदाचित ही कोई ऐसा देश हो जहां के निवासी किसी न किसी समय वहां ना आए हों। 15 मई 1935। एक सन्यासी अपनी शंका का समाधान करने का प्रयास कर रहा था, ये अनुभूति कैसे हो कि सारा जगत ही ब्रह्म है। महर्षि रमण कहते हैं, यदि तुम्हारी दृष्टि ज्ञानमयी हो जाए तो तुम्हें समग्र संसार ब्रह्म भासित होगा। ब्रह्म ज्ञान के बिना तुमको ब्रह्म के सर्वव्यापकता का अनुभव कैसे हो सकता है? किसी व्यक्ति ने इंद्रियानुभूति के संबंध में प्रश्न पूछा। महर्षि रमण ने बताया, जिस अवस्था में भी व्यक्ति होता है, इंद्रियानुभूति वही रूप ग्रहण कर लेती है। इसकी वास्तविकता इस प्रकार है कि जागृत अवस्था में स्थूल शरीर स्थूल नाम रूपों की अनुभूति करता है, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर काल्पनिक सृष्टि तथा उसके विविध नाम रूपों की अनुभूति करता है। सुषुप्ति में देह का भान नष्ट हो जाने से वहां कोई अनुभूति नहीं होती है। इसी प्रकार गुणातीत अवस्था में ब्रह्म से एकत्व का भान मानव का अखिल जगत से तादात्म्य करा देता है, तथा वहां उसकी आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहता। आनंद की अनुभूति के संबंध में एक प्रश्न किया गया। महर्षि रमण ने जवाब दिया, यदि कोई व्यक्ति ये माने कि उसकी प्रसन्नता का हेतु बाहर के साधनों एवं पदार्थों की प्राप्ति में है, तो यह निष्कर्ष निकलता है कि वो प्रसन्नता संपत्ति की वृद्धि तथा ह्रास से अनुपातत बढ़नी अथवा कम होनी चाहिए। इसी तर्क से उसकी संपत्ति के रहित होने की अवस्था में उसके आनंद की समाप्ति हो जानी चाहिए। मनुष्य का वास्तविक अनुभव क्या है? क्या उससे उक्त तर्क की पुष्टि होती है? गहरी निद्रा में मनुष्य के पास कोई भी संपत्ति नहीं होती, यहां तक कि उसे अपनी स्वयं की देह का भी भान नहीं रहता, किंतु तब आनंद शून्यता के स्थान पर वो बड़े आनंद का अनुभव करता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रगाढ़ निद्रा की इच्छा करता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि आनंद मनुष्य के अंदर की वस्तु है, वो आनंद किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं है। शुद्ध आनंद के भंडार की प्राप्ति के लिए अपनी आत्मा का साक्षात्कार परम आवश्यक है। एक शिक्षित नवयुवक ने प्रश्न किया, आप कैसे कहते हैं कि हृदय दाईं ओर स्थित है, जबकि जीव विज्ञान के विद्वानों ने उसको बाईं ओर पाया है? युवक ने इसका प्रमाण मांगा। महर्षि रमण ने कहा, ऐसा ही है, हृदय का स्थूल अंग बाईं ओर है, इसका निषेध नहीं है, पर मैं जिस हृदय की बात कर रहा हूं वो सूक्ष्म हृदय है तथा वो दाईं ओर ही है। यह मेरा अनुभव है, मुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। फिर भी तुम मलयालम भाषा के एक आयुर्वेद के ग्रंथ में तथा सीता उपनिषद में प्रमाण ढूंढ सकते हो। महर्षि ने उपनिषद का मंत्र दिखा दिया तथा आयुर्वेद की पुस्तक का श्लोक उद्गृत कर दिया। श्री एम फ्राइडमैन एक इंजीनियर के अनुग्रह पर अपने विचार प्रकट किए। नमक की गुड़िया यदि सागर में डुबकी लगाए तो एक बरसाती कोट भी उसको सुरक्षित नहीं रख पाएगा। उपमा बहुत उपयुक्त थी तथा इसकी काफी प्रशंसा की गई। महर्षि ने कहा, देह ही तो वो बरसाती है। एक सन्यासी ने मन की व्याकुलता से निवृत्ति का उपाय जानना चाहा। महर्षि ने बताया, तुम अपनी स्वयं की आत्मा को भुलाकर ही बाहर के पदार्थों की अनुभूति करते हो। यदि तुम दृढ़ता पूर्वक आत्मभाव में स्थित रहोगे तो तुम्हें बाह्य जगत भासित नहीं होगा। जब प्रश्न पूछा गया कि क्या ईश्वरत्व की प्राप्ति के साथ ही सिद्धियों की प्राप्ति भी संभव है, जैसा कि दक्षिण मूर्ति अष्टकम के अंतिम पद्य में लिखा है, महर्षि ने उत्तर दिया, पहले ईश्वरत्व प्राप्त कर लो,
और तब दूसरा प्रश्न पूछ सकते हो, क्या किसी मंत्र के अनायास उच्चारण से कोई व्यक्ति कुछ लाभ उठा सकता है? महर्षि ने जवाब दिया, नहीं। मंत्र जाप करने वाला इसका अधिकारी तथा मंत्र की दीक्षा प्राप्त होनी चाहिए। महर्षि ने प्रमाण स्वरूप यह दृष्टांत दिया। एक राजा अपने प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर गया। राजा को सूचना दी गई कि प्रधानमंत्री मंत्र के जाप में व्यस्त हैं। प्रतीक्षा करने के उपरांत प्रधानमंत्री के उपस्थित होने पर राजा ने जाप के संबंध में अपनी जिज्ञासा प्रकट की। प्रधानमंत्री ने सूचित किया कि मैं सर्वोत्कृष्ट मंत्र गायत्री का जाप कर रहा था। राजा ने प्रधानमंत्री से मंत्र की दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की, परंतु प्रधानमंत्री ने राजा को दीक्षा देने में अपनी असमर्थता बताई। तदुपरांत राजा ने अन्य किसी व्यक्ति से गायत्री मंत्र जान लिया तथा मंत्री के मिलने पर उसके समक्ष गायत्री मंत्र उच्चारण कर मंत्र की शुद्धता के संबंध में जानना चाहा। मंत्री ने कहा कि मंत्र शुद्ध होते हुए भी उन्हें स्वयं ये बात भी कहने का अधिकार नहीं है। जब उसका कारण बताने का आग्रह किया गया, तब मंत्री ने समीप खड़े एक सेवक को बुलाकर राजा को कैद कर लेने का आदेश दिया। आदेश का पालन नहीं किया गया। पुनः आदेश को अनेक बार दोहराया गया, किंतु उसका पालन नहीं हुआ। राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने उसी सेवक को आदेश दिया कि वो मंत्री को गिरफ्तार कर ले। सेवक के आदेश का तुरंत ही पालन कर लिया गया। मंत्री ने हंसकर कहा कि मैंने आपकी जिज्ञासा का उत्तर प्रस्तुत कर दिया है। वो किस प्रकार? राजा ने पूछा। दोनों बार आदेश समान ही था तथा पालनकर्ता भी वही था, किंतु आदेशकर्ता भिन्न भिन्न थे। जब मैंने आदेश दिया तब उसका परिणाम कुछ नहीं हुआ, जबकि आप द्वारा दिए गए आदेश का तुरंत पालन किया गया। मंत्रों के विषय में भी इसी प्रकार है। किसी ने पूछा, धार्मिक ग्रंथों में ज्ञानी को बालक के समान क्यों बताया गया है? महर्षि रमण ने कहा, एक प्रकार से बालक तथा संत समान ही हैं। बालक को बाह्य जगत की घटनाओं से तभी तक संबंध है जब तक कि घटनाएं घट रही हैं। घटनाओं के समाप्त होते ही बालक उनका विचार नहीं करता। इससे यह स्पष्ट है कि घटनाएं बालक पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती तथा मानसिक रूप से वो उनसे प्रभावित नहीं होता। ज्ञानी के साथ भी ऐसा ही है। एक सज्जन ने प्रश्न किया कि महर्षि के निर्देशों के अनुसार उनकी पुस्तक सत्य निदर्शन पद्य 9 पूरक में अंकित पद्धति से आत्म साक्षात्कार किस प्रकार किया जाए। सारी कठिनाई मन को वश में करने की थी। महर्षि रमण ने जवाब दिया, ये प्राणायाम द्वारा संभव है। यदि तुम बिना दूसरे की सहायता के स्वयं ही प्राणायाम का अभ्यास करो तो मन वश में हो जाएगा, एवं किसी सत्पुरुष के सानिध्य में भी मन स्वाभाविक ही उनके प्रभाव से वश में हो जाता है। ज्ञानी के संग की यही महानता है। क्या प्रारब्ध कर्म कभी समाप्त हो सकता है? महर्षि ने जवाब दिया, कर्मों में ही उनके नाश के बीज विद्यमान रहते हैं। एक व्यक्ति ने महर्षि से निवेदन किया कि वे कुछ कहें। ये पूछे जाने पर कि वो क्या जानना चाहता है, उसने कहा कि वो कुछ भी नहीं जानता है तथा महर्षि से कुछ श्रवण करना चाहता है। महर्षि ने कहा, तुम जानते हो कि तुम कुछ नहीं जानते, उसी ज्ञान को खोज लो, यही मोक्ष है। 6 जनवरी 1935 एक अंग्रेज महिला श्रीमती एम ए पिगॉट, जिन्होंने गुप्त भारत की खोज पढ़ रखा था, महर्षि के दर्शनार्थ आई। दुभाषिये का कार्य करने के लिए एक शिष्य का प्रबंध किया गया। उस समय हॉल में बहुत से दर्शनार्थी उपस्थित थे, जिनमें बच्चों सहित कुछ स्त्रियां भी थीं। हॉल में शोरगुल हो रहा था। अंततः शांति स्थापित हो गई। अचानक महर्षि, जो शून्य में देखते हुए प्रतीत होते थे, धीमे स्वर में बोलते हुए सुने गए, बंदर। दरवाजे में तब एक शिशु का पता लगा, जिसकी माता को द्वार के उस ओर बैठा होने के कारण उसकी जानकारी नहीं थी, तथा एक विशाल वानर पिछले पैरों पर खड़ा होकर बालक को दोनों हाथों से प्यार से थपथपा रहा था, पर किंचित भी उसे क्षति नहीं पहुंचा रहा था। महर्षि के समक्ष दोनों ही एक दूसरे से प्रेम का व्यवहार कर रहे थे। महर्षि के शब्द को सुनकर बंदर सीधा उछलकर गायब हो गया।
इस घटना ने अंग्रेज महिला को बहुत प्रभावित किया। श्रीमती पिगॉट का प्रथम प्रश्न था, क्या साक्षात्कार के लिए गुरु की आवश्यकता है? महर्षि ने कहा, साक्षात्कार होने में उपदेश, प्रवचन तथा ध्यान की अपेक्षा गुरु कृपा ही विशेष परिणाम करती है। उपरोक्त तो गौण सहायक हैं, प्रारंभिक एवं मुख्य कारण तो गुरु कृपा ही है। भक्त ने पूछा, आत्म साक्षात्कार में कौन सी बाधाएं रुकावट करती हैं? महर्षि, बाधाएं मन की आदतों यानी वासनाओं की हैं। भक्त, मन की आदतों पर किस प्रकार विजय प्राप्त की जाए? महर्षि, आत्म साक्षात्कार द्वारा। भक्त, ये तो एक दूषित चक्र हुआ। महर्षि, इन कठिनाइयों को अहम भाव उत्पन्न करता है, बाधाएं उत्पन्न करता है और फिर वो अवास्तविक विरोधाभासों से दुखी होता है। ये मालूम करो कि जिज्ञासाएं कौन करता है, तो आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। भक्त, साक्षात्कार में किन से सहायता मिल सकती है? महर्षि, शास्त्रों तथा सत्पुरुषों द्वारा दी गई शिक्षाओं से। भक्त, क्या ये शिक्षाएं चर्चा, प्रवचन तथा ध्यान भी हो सकती हैं? महर्षि, हां, किंतु ये सब गौण हैं, मुख्य तो केवल गुरु कृपा ही है। भक्त, उसकी प्राप्ति में कितना समय लग सकता है? महर्षि, ये तुम क्यों जानना चाहते हो? भक्त, जिससे मुझे आशा बनी रहे। महर्षि कहते हैं, ऐसी इच्छा भी एक बाधा है, आत्मा सदैव ही है, उससे अन्य कुछ भी नहीं। आत्मभाव से रहो, इच्छाएं तथा संशय निवृत्त हो जाएंगे। ये आत्मा सुषुप्ति, स्वप्न तथा जागृत अवस्थाओं की साक्षी है। ये अवस्थाएं अहम भाव यानी मैं शरीर हूं की होती हैं। आत्मा उस अहम भाव से भी परे है। क्या तुम निद्रा में नहीं थे? क्या उस समय तुम्हें यह भान नहीं था कि तुम सो रहे हो तथा संसार से अनभिज्ञ हो? जागने पर ही तुम निद्रित अवस्था का यह वर्णन करते हो कि वहां कुछ पता नहीं था। इसलिए निद्रा तथा जागृत दोनों अवस्थाओं में एक ही चेतन है। यदि तुम जागृत अवस्था के चेतन को समझ लोगे तो तुम तीनों अवस्थाओं में साक्षी रूप चेतन को जान लोगे। निद्रा के चेतन के अनुसंधान से भी उक्त चेतन की प्राप्ति हो जाएगी। भक्त, उस अवस्था में तो मुझे निद्रा आ घेरती है। महर्षि, कोई हानि नहीं। भक्त, वो तो शून्यता है। महर्षि कहते हैं, शून्यता किसके लिए, इसे मालूम करो। अपने स्वयं का निषेध तुम कभी नहीं कर सकते। आत्मा सर्वत्र है तथा सब अवस्थाओं में विद्यमान रहती है। भक्त, क्या मुझे निद्रित की भांति रहते हुए भी सचेत रहने का प्रयास करना चाहिए? महर्षि कहते हैं, हां, सचेत रहना ही जागृत अवस्था है। अतः उक्त अवस्था निद्रा की ना होकर निद्रा रहित निद्रा की होगी। किंतु यदि तुम विचारों के वशीभूत हो गए तो वे तुमको भटकाकर भूल भुलैया में फंसा देंगे। भक्त, तो मुझे लौटकर अपने विचारों के मूल स्रोत की खोज करनी चाहिए? महर्षि, निश्चय ही इस प्रक्रिया से विचार लुप्त हो जाएंगे तथा केवल आत्मा ही रह जाएगी। वास्तव में आत्मा में कोई आंतर अथवा बाह्य नहीं है, ये भी अहम से ही उदय होते हैं। आत्मा शुद्ध एवं पूर्ण है। भक्त, ये तो केवल बुद्धि से समझ में आ गया, क्या बुद्धि साक्षात्कार में सहायक नहीं होती? महर्षि, हां, किसी अवस्था तक तो होती है, फिर भी ये जानना होगा कि आत्मा बुद्धि से भी परे है तथा आत्मा तक पहुंचने के लिए स्वयं बुद्धि को भी लोप होना होगा। भक्त, क्या मुझे साक्षात्कार होने से अन्य व्यक्ति भी लाभान्वित होंगे? महर्षि, हां, अवश्य होंगे, यही सर्वोत्कृष्ट परोपकार है। किंतु लाभ पहुंचाने के लिए अन्य कोई है ही नहीं। आत्मज्ञानी आत्मा को उसी प्रकार देखता है जिस प्रकार एक स्वर्णकार भिन्न भिन्न आभूषणों में केवल स्वर्ण का मूल्य ही आंकता है। जब तक तुम स्वयं को देह से एकत्व किए हुए हो,
तभी तक रूप एवं आकार विद्यमान है, परंतु देहाभास से परे होते ही तुम्हारे शरीर भाव के साथ साथ अन्य भी लुप्त हो जाते हैं। भक्त, क्या पौधों वृक्षों आदि के साथ भी यही अनुभव होता है? महर्षि ने जवाब दिया, क्या ये वस्तुएं आत्मा से कोई पृथक अस्तित्व रखती हैं? इसे मालूम करो। तुम्हारे मन में विचार उठता है कि तुम उन वस्तुओं को देखते हो, यह विचार आत्मा से ही उदय होता है। ये खोज करो कि यह विचार किस मूल स्रोत से उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार विचारों का उठना बंद हो जाएगा तथा केवल आत्मा रह जाएगी। भक्त, मैं सिद्धांत रूप से ही समझ पाया हूं, किंतु विचार प्रवाह तो चल ही रहा है। महर्षि कहते हैं, हां, यह सब चलचित्र के खेल की भांति है। वहां पर्दे पर प्रकाश विद्यमान है तथा चलती छायाएं दर्शकों को नाट्य क्रिया के रूप में प्रभावित करती रहती हैं। यदि उक्त फिल्म में दर्शक समूह भी दिखाया जाए तो भी इसी प्रकार प्रभाव पड़ेगा। तब दृष्टा तथा दृश्य दोनों ही पर्दे पर रहेंगे। इस दृष्टांत को स्वयं पर घटाकर देखो। तुम पर्दा हो, आत्मा ने अहम को जन्म दिया है, अहम के साथ संकल्प उत्पन्न हो गए हैं। ये संकल्प ही संसार, वृक्ष, पौधों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जिनके संबंध में तुम जिज्ञासा कर रहे हो। यथार्थ में आत्मा से भिन्न ये सब कुछ भी नहीं। यदि तुम आत्मा का साक्षात्कार कर लो तो तुम सब में उसे ही देखोगे। सदैव एवं सर्वत्र केवल आत्मा की ही सत्ता है, अन्य किसी वस्तु की नहीं। भक्त, हां, केवल सिद्धांततः तो मेरी समझ में आ गया, किंतु उत्तर निश्चय ही सरल, सुंदर तथा समझ में आने योग्य है। महर्षि, मैं साक्षात्कार नहीं कर रहा, यह विचार भी बाधक है। वास्तव में केवल आत्मा है। 8 जनवरी 1935। एक बूढ़ा व्यक्ति आकर हॉल में बैठ गया। महर्षि अरुणाचल अक्षर मनमलय, अरुणाचल के प्रति 5 स्रोतों में से प्रथम शर्मा द्वारा संपादित संस्कृत संस्करण का पाठ कर रहे थे। वृद्ध पुरुष ने धीरे से पूछा, ऐसा कहा जाता है कि आत्म साक्षात्कार का शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता है, तथा साक्षात्कार का शब्दों में जो भी वर्णन होता है वो सदैव ही अधूरा है, ऐसा कैसे है? महर्षि ने जवाब दिया, इस विषय पर अरुणाचल अष्टकम के तृतीय पद्य में चर्चा की गई है। उसमें यह तो माना गया है कि साक्षात्कार का वर्णन असंभव है, किंतु इसके अस्तित्व का संकेत अवश्य मिलता है। इसके तुरंत पश्चात उस व्यक्ति में भावावेश के चिन्ह दृष्टिगोचर हुए। उसकी श्वास प्रक्रिया गहरी एवं भारी हो गई तथा उसने नम्रतापूर्वक भूमि पर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया एवं 1-2 मिनट पश्चात ही उठ पाया। कुछ समय तक शांत रहकर वो चला गया। स्पष्ट है, उस व्यक्ति को ज्ञान के प्रकाश का कुछ ना कुछ अनुभव अवश्य ही प्राप्त हुआ था। वो महर्षि से उसकी पुष्टि कराने आया था। महर्षि ने ठीक प्रकार से उसका समाधान किया। अपने अनुभव की पुष्टि पाकर तथा इसे ईश्वरी निर्देश समझ उसने अपनी भावपूर्ण कृतज्ञता प्रकट की थी। उपनिषद के एक वाक्य, सर्वोत्तम सत्ता सूक्ष्म से भी सूक्ष्म एवं संसार की बड़ी से बड़ी वस्तु से भी बड़ी है, का क्या अर्थ है? महर्षि कहते हैं, परमाणु की बनावट की खोज भी मस्तिष्क ने ही की है। इससे सिद्ध है कि मन परमाणु की अपेक्षा भी सूक्ष्म है, और मन से भी परे जो जीवात्मा है वो मन की अपेक्षा भी सूक्ष्मतर है। इसके अतिरिक्त तमिल संत मणिक वाजगर ने सूर्य के प्रकाश में तैरते धूल कणों के लिए कहा है कि यदि प्रत्येक कण एक ब्रह्मांड का द्योतक हो तो पूरी सूर्य की ज्योति सर्वोत्तम सत्ता की द्योतक होगी। 19 जनवरी 1935। श्री डगलस एंसली, जो एक संभ्रांत एवं संपन्न अंग्रेज थे तथा 70 वर्ष की आयु के थे, आए। वे मद्रास के एक भूतपूर्व गवर्नर के भतीजे थे, लेखक व कवि भी थे एवं एथेंस, पेरिस तथा हेग में अंग्रेज दूतावासों से संबंधित रहे थे।
एवं मद्रास में राजकीय आवास में मेहमान बनकर पधारे थे। वे महर्षि के दर्शनार्थ पॉल ब्रंटन का परिचय पत्र लेकर आए थे। दूसरे दिन वे पुनः आए तथा हॉल में एक घंटे से कुछ कम समय तक रुके। दोनों दिन आपस में संभवतया कोई वार्तालाप नहीं हुआ, दोनों ओर से केवल दृष्टियों का ही मिलन हुआ। स्वभाव से वे बहुत संयमी हैं। वे 1 बजे अपराह्न तक बिना किसी प्रकार के भोजन के रहते हैं तथा तदुपरांत भोजन करते हैं। संध्या को केवल कॉफी तथा बिस्कुट ग्रहण कर रात्रि में फिर बिना किसी अन्य भोजन के विश्राम को चले जाते हैं। प्रारंभ से ही अविवाहित रहे हैं। खाली पेट कुछ मील रोज पैदल घूमते हैं। बहुत कम बोलते हैं तथा व्यवहार में बहुत सौम्यता है। उनकी आवाज धीमी तथा कोमल है और उनके शब्द हृदय से निकलते प्रतीत होते हैं। उनके मित्रों में स्वर्गीय सर जॉन वुड्रफ, सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा प्रोफेसर थॉमस ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के संस्कृत के प्रोफेसर गिने जा सकते हैं। उन्होंने वेदों के श्रवण की इच्छा प्रकट की। सोमवार को रीगा नगर से एक पत्र आया जिसमें पूछे गए प्रश्न वे ही निकले जो कि इस यूरोपवासी अतिथि ने पूछे थे। प्रश्न दिवंगत आत्माओं के संबंध में थे तथा उनकी सर्वोत्तम सेवा क्या हो सकती है। रीगा भेजा गया पत्रोत्तर उन्हें भी पढ़कर सुनाया गया। उनके समक्ष महर्षि कृत सद्योद्घाटन यानी ट्रूथ रिवील्ड के तमिल गान तथा वेदों का पाठ किया गया। ये गायन उनको अत्यंत सुंदर लगा। अगले दिन अपराह्न में महाशय पुनः आए तथा उन्होंने गत रात्रि के स्वयं के अनुभव का महर्षि के समक्ष वर्णन किया, जिसे सुनकर उपस्थित व्यक्ति आश्चर्यचकित हुए। अनुभव ये था कि उन्होंने दाहिनी ओर हृदय के केंद्र में विद्युत तुल्य प्रकाश का अनुभव किया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अपने अंदर दैदीप्यमान सूर्य के दर्शन हुए। महर्षि किंचित मुस्कुराए तथा उन्होंने उनके समक्ष आत्मविद्या सेल्फ नॉलेज के अनुवाद को पढ़वाकर सुनवाया, जिसके एक गूढ़ कथन में अंकित है कि साक्षात्कार आत्मपद की प्राप्ति है जो कि चिद्व्योमन का विस्तार है। ये मन से भिन्न है जो कि चित्व्योमन का विस्तार है। इस स्पष्टीकरण से वे प्रभावित हुए। उन महाशय के बारे में महर्षि ने बाद में कहा, जरा विचार करो, एक 70 वर्ष की आयु का व्यक्ति अपनी अर्जित धनराशि से अपने घर में शांति से जीवन यापन करना पसंद न करे। उसकी कितनी तीव्र लगन है कि वो अपनी मातृभूमि को छोड़कर 6,000 मील की समुद्र यात्रा का साहस करे तथा भाषा से अनभिज्ञ अकेलेपन के संकट झेलता, सख्त गर्मी भुगतता, विदेश के अपरिचित सुविधा रहित वातावरण में लंबी रेल यात्रा करे। अपने घर में वो सुख से रह सकता है। आंतरिक शांति की खोज की इच्छा ही उसे यहां तक खींच लाई है। यह उसकी लगन की तीव्रता ही तो है कि आगमन के 4 दिन के अंदर ही उसे दिव्य अनुभव हो गया। जहां तक दिवंगत आत्माओं का प्रश्न है, जब तक मनुष्य स्वयं को स्थूल शरीर से युक्त समझता रहता है, ये विचार स्थूल रूप ग्रहण कर उसको वास्तविक भासता रहता है। इस कल्पना के कारण कि उसका शरीर दूसरे शरीर से उत्पन्न हुआ है, उसके स्वयं के शरीर की भांति अन्य व्यक्तियों के शरीर भी उसे वास्तविक प्रतीत होते हैं। अपनी संतान के विद्यमान रहने से तथा उसके ये समझने से कि उसे अन्य व्यक्ति ने जन्म दिया है, जीव मृत्युपरांत भी विद्यमान रहता है क्योंकि वो पहले भी रह चुका है। इन परिस्थितियों में परलोक भी सत्य है तथा उनके लिए प्रार्थना करने से दिवंगत आत्माओं का उपकार होता है। इसके अतिरिक्त यदि दूसरे प्रकार से विचार करें तो एकमात्र सत्य आत्मा ही है, जिससे अहम उत्पन्न होता है, जिसमें कि पूर्व जन्मकृत संस्कारों के बीज संग्रहित होते हैं। अहम भाव, संस्कार, वृत्ति तथा भौतिक इंद्रियों को आत्मा ही प्रकाशित करता है। इस कारण से इंद्रियों की संस्कार वृत्ति ही जगत रूप में भासित होती है तथा उसके अहम को भी ऐसा ही प्रतीत होता है जो कि आत्मा का ही प्रकाश है। अहम स्वयं आत्मा को भूलकर शरीर को ही अपना अस्तित्व मानता है। इस असावधानी का परिणाम है अज्ञान, अंधकार एवं वर्तमान जीवन के कष्ट क्लेश। आत्मा से अहम की उत्पत्ति तथा अपने वास्तविक स्वरूप की विस्मृति ही जन्म है।
इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति का जन्म उसकी माता की मृत्यु का कारण बनता है। अपनी मां को पुनः प्राप्त करने की वर्तमान आकांक्षा वास्तव में आत्मा की पुनः प्राप्ति की आकांक्षा है, जो स्वयं की प्राप्ति अथवा अपने मिथ्या अहम की मृत्यु से भिन्न नहीं है। ये स्वयं को मात्र चरणों में समर्पण करना है जिससे कि वो अमर रहे। 24 जनवरी 1935, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक अंग्रेज रिसर्च स्कॉलर श्री एम वाई इवांस वेंस श्री ब्रंटन का परिचय पत्र लेकर दर्शनार्थ आए। यात्रा की थकान होने के कारण उन्हें विश्राम की आवश्यकता थी। अनेक बार भारत आने के कारण वे भारत के रहन सहन से भली भांति परिचित थे। वे तिब्बती भाषा सीख चुके हैं तथा तिब्बत के सबसे महान योगी मिलरेपा की जीवनी तथा मृतकों की पुस्तक तथा एक अन्य पुस्तक तिब्बत के गुप्त सिद्धांत का अनुवाद उनकी सहायता से हुआ। दोपहर में उन्होंने कुछ प्रश्न पूछने आरंभ किए। प्रश्न योग से संबंधित थे। वे जानना चाहते थे कि योग के आसनों को करने के लिए बाघ हिरण आदि को उनके चर्म के लिए मारना क्या उचित है। महर्षि कहते हैं, मन ही बाघ अथवा हिरण है। भक्त, यदि सब कुछ भ्रम हो तो जीवन ले सकते हैं। महर्षि, भ्रम किसको है उसकी खोज करो। वास्तव में अपने जीवन के प्रति क्षण प्रति व्यक्ति आत्मा का हनन कर रहा है। भक्त, आसनों में कौन सा श्रेष्ठ है। महर्षि कहते हैं, आसन कोई भी हो, जैसे सुखासन, कोई भी सरल आसन अच्छा है, परंतु ज्ञान मार्ग के लिए इन सब का कोई महत्व नहीं। भक्त, क्या आसन से व्यक्ति के स्वभाव का आभास होता है। हां। भक्त, व्याघ्र चर्म नमदा तथा हिरण चर्म के क्या क्या गुण व प्रभाव हैं। महर्षि बताते हैं, कुछ व्यक्तियों ने उनका अध्ययन कर उनका योग के ग्रंथों में वर्णन किया है। चुंबकीयता के संचालन प्रसंचालन से इनका संबंध है, पर ज्ञान मार्ग का इन चीजों से कोई संबंध नहीं है। वास्तव में आसन का उद्देश्य आत्मा की अनुभूति तथा उसमें दृढ़ता पूर्वक स्थिर होना है। यह आंतरिक है, अन्य आसन बाह्य स्थितियों के वर्णन है। भक्त पूछता है, ध्यान करने के लिए कौन सा समय सबसे उपयुक्त है। महर्षि कहते हैं, समय क्या वस्तु है। भक्त, आप ही बताइए वो क्या है। समय एक विचार मात्र है। अस्तित्व केवल उस सत्य का है। जो कुछ भी संकल्प आप करते हैं कि वो है, वो वैसा ही दिखता है। यदि आप इसे समय कहें तो ये समय है, यदि इसे आप अस्तित्व कहें तो ये अस्तित्व है, और इसी प्रकार इसे समय मानकर आप इसे दिवस तथा रात्रियों में विभाजित कर लेते हैं तथा मास वर्ष घंटे एवं मिनट आदि में भी। ज्ञान मार्ग का समय से कोई संबंध नहीं, किंतु प्रारंभ में साधक के लिए इस प्रकार के कुछ अनुशासन एवं नियमादि सहायक हो सकते हैं। भक्त पूछता है, ज्ञान मार्ग क्या है। महर्षि कहते हैं, मन की एकाग्रता ज्ञान मार्ग तथा योग दोनों साधनों में समान रूप से आवश्यक है। योग का लक्ष्य जीव का ब्रह्म परम सत्य से एकीकरण है। यह सत्य कोई नवीन वस्तु नहीं हो सकती, ये तो अभी भी विद्यमान होनी चाहिए और यह है भी। इसलिए ज्ञान मार्ग ये शोध करता है कि हमारा सत्य से वियोग क्यों कर हुआ। वियोग केवल सत्य से ही हुआ है। भक्त, माया क्या है। महर्षि कहते हैं, माया किसको है इसे खोज लो तो माया का लोप हो जाएगा। प्रायः लोग माया के संबंध में जिज्ञासा करते हैं, किंतु माया किसको प्रभावित कर रही है इसकी परीक्षा नहीं करते। माया बाहर है तथा अज्ञात है, किंतु जिज्ञासा करने वाला ज्ञात है तथा अंतर में है। जो दूर है तथा अज्ञात है उसकी अपेक्षा जो अति समीप तथा अपने अंदर है उसकी खोज करो। भक्त पूछता है, क्या महर्षि विशेषतः यूरोप वासियों के लिए किसी विशेष पद्धति का निर्देशन करेंगे। महर्षि कहते हैं,
यह साधक के मानसिक विकास के अनुसार ही होता है। वास्तव में कोई निर्धारित एवं निश्चित नियम नहीं है। श्री इवांस वैन्स अधिकतर योग की प्रारंभिक साधना से संबंधित प्रश्न करते रहे, जिन्हें महर्षि ने योग के साधन मात्र कहा तथा योग को भी आत्म साक्षात्कार का साधन ही बताया, जो सबका लक्ष्य है। भक्त, क्या सांसारिक कार्य आत्म साक्षात्कार में बाधक हैं? महर्षि, नहीं। ज्ञानी की दृष्टि में केवल आत्मा ही एकमात्र सत्य है। कर्म तो आभास मात्र हैं, वे आत्मा को प्रभावित नहीं करते। ज्ञानी कार्य करते हुए भी स्वयं को कर्ता नहीं मानता। उसके कार्य भी अपने आप होने जैसे होते हैं तथा वो पूर्णतया निर्लेप रहकर उन कार्यों का केवल साक्षी मात्र रहता है। इस प्रकार के कार्य का कोई लक्ष्य नहीं होता। ज्ञान मार्ग का साधक कार्यरत रहता हुआ भी साधना कर सकता है। प्रारंभिक अवस्था में साधक को कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं, किंतु कुछ अभ्यास के बाद शीघ्र ही इसका प्रभाव होगा तथा उसके कार्य से उसके ध्यान में कोई बाधा नहीं होगी। भक्त, अभ्यास क्या है? महर्षि कहते हैं, मैं की निरंतर खोज, जो कि अहम भाव का मूल स्रोत है, ये खोज करो कि मैं कौन हूं। शुद्ध मैं ही सत्य है, वही परब्रह्म सच्चिदानंद है। उसको भूलने से ही सारे कष्ट एवं क्लेशों का जन्म होता है। जब इसको दृढ़ कर लिया जाए तो व्यक्ति दुखों से छुटकारा पा जाता है। भक्त पूछता है, क्या आत्म साक्षात्कार के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक नहीं? महर्षि, ब्रह्म में रहना ही ब्रह्मचर्य है। सामान्य धारणा में जिसे ब्रह्मचर्य समझा जाता है, उससे इसका कोई संबंध नहीं। वास्तविक ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्म में ही स्थित रहने वाला तो ब्रह्म में ही सर्वानंद की प्राप्ति कर लेता है। वो ब्रह्म आत्मा से भिन्न नहीं, फिर आनंद के अन्य स्रोतों की खोज क्यों? वास्तव में आत्मा से बाहर होना ही सारे क्लेशों का मूल है। भक्त, क्या ब्रह्मचर्य पालन योग के लिए आवश्यक है? महर्षि, ये सही है। साक्षात्कार के अनेक साधनों में ब्रह्मचर्य भी एक साधन है। भक्त, फिर क्या यह अत्यंत आवश्यक नहीं? क्या विवाहित पुरुष आत्म साक्षात्कार कर सकता है? महर्षि कहते हैं, निश्चय पूर्वक। यह तो मन की योग्यता का विषय है। विवाहित हो अथवा अविवाहित, मनुष्य आत्म साक्षात्कार कर सकता है, क्योंकि आत्मा यही है तथा अभी है। यदि ऐसा नहीं होता तथा इसकी उपलब्धि कभी आगे होती एवं ये कोई नवीन वस्तु होती जिसे प्राप्त करना होता, तो ऐसा प्रयास वृथा ही होता, क्योंकि जो स्वाभाविक नहीं है वो स्थायी भी नहीं हो सकता। पर मैं ये कहता हूं, आत्मा यहां है, अभी है तथा केवल उसी की सत्ता है। भक्त, ईश्वर सब में सर्वव्यापक है, अतः किसी को किसी जीव का जीवन नहीं लेना चाहिए। क्या हत्यारे का जीवन लेने का समाज का अधिकार उचित है? क्या राज्य भी ऐसा कर सकता है? ईसाई देश इस प्रकार विचार करने लगे हैं कि ऐसा करना उचित नहीं। महर्षि जवाब देते हैं, हत्यारे को हत्या करने के लिए किसने प्रेरित किया? वही शक्ति उसे दंड देती है। समाज या राज्य तो उस शक्ति के हाथ में यंत्र मात्र हैं। तुम एक व्यक्ति के प्राण लेने की बात करते हो, युद्धों में असंख्य प्राणियों के जीवन जाते हैं, उसका क्या कहोगे? भक्त, ऐसा ही है। जीवन की हानि तो किसी भी प्रकार हो अनुचित ही है। क्या युद्ध उचित है? महर्षि कहते हैं, आत्मज्ञानी पुरुष के लिए जो सदैव आत्मा में ही स्थित है, इस लोक में अथवा तीनों लोकों में एक जीव की अथवा अनेक जीवों की अथवा सब जीवों की हानि से कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि वो सबको नष्ट कर दे तो भी ऐसी शुद्धात्मा को कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकता। महर्षि ने गीता के 18वें अध्याय का 17वां श्लोक उद्धृत किया, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते अथवापि स इव्वाल लोकान्न हन्ति न निबध्यते। यानी, जो अहम के भाव से सर्वथा शून्य है, जिसकी बुद्धि संसार में लिपायमान नहीं है,
यदि वो सब लोगों का भी संहार कर दे तो भी वो किसी को नहीं मारता और ना वो अपने कर्मों के फल से ही बंधायमान होता है। भक्त पूछता है, व्यक्ति के कर्म क्या उसके बाद के जन्मों पर प्रभाव नहीं डालते? महर्षि कहते हैं, क्या तुम अभी जन्मे हो? तुम दूसरे जन्मों की चिंता क्यों करते हो? यथार्थ में न तो जन्म है न मृत्यु है। जो जन्मा हो उसे मृत्यु तथा शांति देने वाले साधनों पर विचार करने दो। भक्त, महर्षि को आत्म साक्षात्कार में कितना समय लगा? महर्षि कहते हैं, ये प्रश्न इसलिए पूछा गया है कि नाम एवं रूप की प्रतीति हो रही है। ये प्रतीति अहम के स्थूल शरीर से तादात्म्य कर लेने से उत्पन्न हुई है। यदि अहम स्वयं को सूक्ष्म मन से मिला लेता है, जैसे कि स्वप्नावस्था में, तो प्रतीति भी सूक्ष्म हो जाती है, परंतु सुषुप्ति में कोई प्रतीति नहीं होती। क्या उस समय भी अहम का अस्तित्व नहीं रहता? यदि नहीं रहता तो सुषुप्ति की स्मृति भी नहीं रहती। जो सोया था वो कौन था? अपनी सुषुप्ति में तुम नहीं कह रहे थे कि तुम सो रहे थे, ये तो तुम अब जागने पर कह रहे हो। इससे सिद्ध हुआ कि अहम का भाव जागृत, स्वप्न व सुषुप्ति में यथावत रहता है। इन अवस्थाओं की तह में जो सत्य आत्मा है उसे जानो। वही सत्य इन सब अवस्थाओं की तह में है। उस अवस्था में केवल अस्तित्व अथवा सत्ता है। वहां तू, मैं या वो नहीं है, न वर्तमान, भूत या भविष्य है। वो देश अथवा काल से परे है तथा अनिर्वचनीय है। वो तो सदैव है। जिस प्रकार केले के वृक्ष फल देकर समाप्त होने से पहले मूल की शाखें बढ़ाते हैं एवं अन्यत्र रोपे जाने पर ये शाखें पुनः फलवती होकर यही कार्य पुनः करती हैं, इसी प्रकार प्रारंभिक युग के एवं अत्यंत प्राचीन समय के गुरु, जिन्होंने अपने ऋषि शिष्यों के संदेह मौन से निवारण किए थे, ऐसी शाखाएं छोड़ गए हैं जो निरंतर बढ़ रही हैं। गुरु उसी दक्षिणा मूर्ति की शाखा है। ये प्रश्न ही नहीं उठता जबकि आत्मा का साक्षात्कार हो चुका है। भक्त, क्या महर्षि को निर्विकल्प समाधि होती है? महर्षि कहते हैं, यदि नेत्र बंद हो तो वो निर्विकल्प है, यदि नेत्र खुले हो तो वो सविकल्प है। यद्यपि इसमें कुछ अंतर है, फिर भी पूर्ण शांति रहती है। सर्वथा विद्यमान स्वाभाविक अवस्था सहज समाधि की है।